नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में पूर्वा हवा के साथ ही कई जिलों में बारिश के आसार। बिहार में इथेनॉल की इकाई स्थापित करने को लेकर शुरू हुई तैयारी। लालू यादव की सुरक्षा में तैनात जवान का गड़बड़ घोटाले का हुआ खुलासा। अब पटना में ट्रिपल लोडिंग के साथ चलने वालों की खैर नहीं। बिहार पुलिस के डॉग स्क्वाड में शामिल हुए 25 स्निपर डॉग। अब चलिए एक नजर खबरों की तरफ। बिहार में इथेनॉल की इकाई स्थापित करने के लिए ब्रीस प्रस्ताव आने की कही गई बात। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने हाल ही में बिहार में इथेनॉल उत्पादन को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राज्य में इथेनॉल की इकाई स्थापित करने के लिए 20 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बिहार विधान परिषद में पेश वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उद्योग विभाग के 1285.17 करोड़ रुपए की बजटीय मांग पर चर्चा के बाद सरकार की तरफ से जवाब में हुसैन ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि राज्य में इथेनॉल की इकाई स्थापित करने के लिए 20 प्रस्ताव प्राप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार इथेनॉल का हब बनेगा और अगर राज्य में 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता है तो इतनी ही पेट्रोल की बचत होगी। कटक जिला न्यायालय उड़ीसा ने निकाली रिक्तियां। कटक जिला न्यायालय उड़ीसा ने ग्रुप डी पोस्ट के कुल मिलाकर 50 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 20 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट dist.jila.ecourts.gov.in/katak पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेबलिंक पर जाकर ले सकते हैं। जेईई मेन रिजल्ट में बिहार के छात्र ने फहराया परचम। एनटीए की तरफ से हाल ही में जेईई मेन्स का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें बिहार के अनमोल ने बाजी मार ली है। मिली जानकारी के अनुसार अनमोल को परीक्षा परिणाम में 99.987526% अंक प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही बिहार से हजारों छात्र को सफलता भी मिली है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेन्स फरवरी सत्र 2021 की परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी कर दिया गया है। बिहार टॉपर अनमोल के अलावा अभी तक मिली जानकारी के अनुसार बिद्धपुर के आर्यन अमन ने 95.86% हासिल किया है। वहीं हाजीपुर के दिग्घी की रहने वाली शिवांगी कुमारी ने 98.3% अंक हासिल किया है। बिहार में गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन का निर्माण होगा अब अगले महीने से। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच का सफर और आसान होने वाला है। इसको लेकर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर प्रस्तावित पुल का निर्माण अगले महीने से शुरू होने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद लगभग 14.5 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन पुल और उसके पहुंच पथ का निर्माण कार्य 1794.37 करोड़ रूपए की लागत से अगले महीने अप्रैल से शुरू होने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर बीते दिन राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के सवाल के जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार के पटना में राष्ट्रीय राजपथ 19 पर गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया 4 लेन पुल और इसके पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 2,926.42 करोड़ की लागत स्वीकार की गई थी। बिहार में पूर्वा हवा के साथ ही कई जिलों में बारिश के आसार। बिहार में मौसम अब अपने तेवर बदलता नजर आ रहा है। जहां बीते कई दिनों से धूप की तपिश ने गर्मी बढ़ा रखी थी, वहीं अब बिहार में बहने वाले पूर्वा हवा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। हालांकि पिछले एक पखवारे से पछुआ हवा के बहाव की वजह से वातावरण शुष्क हो गया था और नमी कम होने की वजह से आर्द्रता का प्रतिशत भी गिरता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में पूर्वा हवा की वजह से पटना सहित सूबे के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पटना का पारा पिछले एक घंटे में 1.5 डिग्री तक नीचे आया है। हालांकि गया के अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे में 0.5 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसमविदों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक दिन के तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। पूरे सूबे में पूर्वा हवा बहती रहेगी। हवा की दिशा बदलने की वजह से नमी के प्रसार में लगातार देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश के आसार भी देखे गए हैं। बिहार में स्कूल ढहने से नीतीश कुमार ने जताया शोक। बिहार में स्कूल ढहने पर नीतीश कुमार ने जताया शोक। बिहार के खगड़िया जिले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक स्कूल की दीवार गिर जाने के कारण 6 मजदूरों की जान चली गई है। आपको बता दें कि यह मामला महेश खुंट थाना क्षेत्र का है और इस मामले में सामने आने के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का दुख व्यक्त किया है और जान गंवाने वाले परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश भी जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार चंडी टोल गांव स्थित विद्यालय के पास एक नाले के निर्माण पंचायत समिति की तरफ से करवाया जा रहा था। नाले को बनाने के लिए उसके नीचे जेसीबी मशीन की खुदाई भी जारी थी, लेकिन इस बीच स्कूल की दीवार मजदूरों पर गिर गई और मजदूर के दबने से जान चली गई। खबरों की माने तो जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त काम पर 11 मजदूर मौजूद थे। डीआईजी मनु महाराज दिखे एक्शन में। बिहार के छपरा और सिवान में शराब बेचने वालों को रोकने में असक्षम पुलिसकर्मियों की क्लास लगाई गई है, जिसके तहत डीआईजी मनु महाराज ने कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। एक पुलिस पदाधिकारी से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। इस बाबत डीआईजी मनु महाराज ने बताया
बताया कि 2000 लीटर से अधिक शराब के मामले को अनुसंधान करने वाले पुलिस पदाधिकारी समय से अनुसंधान को पूरा नहीं कर पाए हैं। इतना ही नहीं, ये ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी तरफ से अब तक कोई खास कार्रवाई भी नहीं की गई है। इसी को गंभीरता से लेते हुए 5 पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। लालू यादव की सुरक्षा में तैनात जवान का गड़बड़ घोटाला आया सामने। रांची के रिम्स में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात जवान रिम्स से मिला गद्दा तकिया समेत अन्य सामानों को अपने साथ ले गए, जिसके बाद जब इसकी जानकारी एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को मिली तो उन्होंने जवानों को जवाब तलब किया है, जिसके तहत एसएसपी की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अब तक जवानों ने रिम्स का सामान वापस नहीं किया है। सामानों को वापस नहीं किए जाने के कारण रिम्स प्रबंधन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, यह गंभीर विषय है, जिसके बाद यह निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर सामान को जमा करें। यह भी बताएं कि अब तक उन्होंने सामान क्यों नहीं वापस किया है, आदेश का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। झारखंड और बिहार में रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम हुआ ठप। बीते दिन कोलकाता के स्ट्रैंड रोड इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी, जिसके कारण रेल सेवा पूरी तरह से बाधित नजर आई, क्योंकि इस हादसे के बाद से कोलकाता पैसेंजर रिजर्वेशन सर्विस का सर्वर सोमवार की शाम के बाद से ही पूरी तरह ठप बताया गया। खबरों की माने तो सर्वर के बगल वाले भवन में आग लगने के बाद रिजर्वेशन ऑफिस का लिंक फेल हो गया। सर्वर डाउन होने के कारण बंगाल के साथ साथ झारखंड और बिहार के सभी स्टेशनों पर आरक्षण कार्यालय के कामकाज ठप हो गए। IRCTC की साइट से ऑनलाइन टिकट भी जारी नहीं हुए। देर रात तक रिजर्वेशन ऑफिस में लिंक का इंतजार होता रहा। PRS कर्मियों को लगा कि थोड़ी देर में लिंक आ जाएगा, लेकिन लंबे समय तक जब लिंक नहीं आया तो काउंटर पर खड़े यात्री मायूस होकर रिजर्वेशन ऑफिस से लौट गए। इधर ऑनलाइन टिकट काटने वालों को भी निराशा हाथ लगी। अब पटना में ट्रिपल लोडिंग के साथ चलने वालों की खैर नहीं। सर, एक बाइक या स्कूटी पर ट्रिपल लोडिंग के साथ लोगों को सफर करते देखा गया है, जिसके कारण कई बार गाड़ी अनियंत्रित भी हो जाती है। हालांकि अब राजधानी पटना में ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत पुलिस अब मुश्तैदी के साथ काम करने वाली है। पटना SSP उपेंद्र शर्मा ने सभी थानेदारों को निर्देश दिया है कि अगर बाइक और स्कूटी पर ट्रिपल लोडिंग में कोई पकड़ा गया तो सीधे उसे थाने में ले जाया जाए और जांच करें। जांच में यदि कोई संदिग्ध और अपराधी प्रकृति का मिले तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें, साथ ही उसके बाइक को जब्त करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने बैठक कर सभी थानों को यह निर्देश दिया है। बिहार पुलिस के डॉग स्क्वाड में शामिल हुए 25 स्निपर डॉग। बिहार पुलिस के डॉग स्क्वाड में 25 और ट्रेन्ड डॉग को शामिल किया गया है। इनमें 23 लैब्राडोर है और 2 बेल्जियन मलाइनो इस प्रजाति के हैं। इसको लेकर BMP 5 परिसर में आयोजित एक समारोह में DGP SK सिंगल और ADG CID विनय कुमार की मौजूदगी में इस डॉग स्क्वाड को शामिल किया गया है। आपको बता दें, बिहार पुलिस में शामिल इन सभी डॉग स्क्वाड को IIT हैदराबाद में प्रशिक्षण दिया गया है। लगभग 8 महीनों तक इन स्क्वाड को परीक्षण दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि बिहार में सबसे पहले 1912 में 2 डॉग्स को डॉग स्क्वाड में शामिल किया गया था। जदयू में 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया बड़ा ऐलान। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए हाल ही में जदयू ने अहम ऐलान किया है, जिसके तहत RCP सिंह ने कहा है कि आने वाला दिन महिलाओं का है और चुनाव में 33% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतरेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि आगामी चुनाव में पार्टी 1/3 सीटों पर महिलाओं को टिकट देगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस बार विधानसभा चुनाव में 22 महिलाओं को टिकट दिया है। 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारी कोशिश होगी कि महिलाओं को 1/3 टिकट दिया जाए। आज बिहारी बोथरे स्पेशल में हम बात करेंगे लतिका बोरके की। लतिका बोरके एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक है और पत्रकार है। वो द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड और द एज के लिए लिखती हैं और अतीत में ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम और 2UE के लिए भी काम कर चुकी है। उनकी किताब फ्रॉम इंडिया विथ लव 2015 में प्रकाशित हुई थी। लतिका बोरके का जन्म 9 मार्च 1984 को बिहार, भारत में हुआ था। 14 साल की बोरके को एक हफ्ते से कम उम्र में ही ननों की देखभाल में बेतिया में कैथोलिक अनाथालय में छोड़ दिया गया था। जून 2010 में बोरके ने यंग ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के लिए बोकले अवार्ड भी जीता, जिसमें 3 कहानियां दर्ज की गई थी। कंगना रनौत के बिना मास्क वाली तस्वीर पर ईश्वर मर्चेंट ने किया रिएक्ट। हाल ही में कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर बिना मास्क के स्पॉट किया गया। कंगना रनौत अक्सर मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट होती रहती हैं, कई बार वो बिना मास्क के भी नजर आती हैं। ऐसे में ईश्वर मर्चेंट ने कंगना रनौत के मास्क न लगाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यह महिला हमेशा बिना मास्क के कैसे नजर आ सकती है। आपको बता दें, कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कंगना रनौत जैसे ही गाड़ी से एयरपोर्ट पर उतरती है, पैपराजी उन्हें कहते हैं कि झांसी की रानी आ गई। इस पर कंगना रनौत पहले तो हंसती है, फिर उन्हें हेलो बोलती है। पैपराजी को पोज देते हुए एयरपोर्ट के अंदर चली जाती हैं। वसीम जफर के सिराज को ट्रोल करने पर कई खिलाड़ियों ने किया रिएक्ट। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जफर ने हाल ही में ईशांत
अक्षर और सिराज को एक मीम के जरिए ट्रोल किया था, जिस पर अब वॉशिंगटन सुंदर का रिएक्शन आया है। जाफर ने बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की मशहूर फिल्म थ्री इडियट्स का एक मीम शेयर किया। इसके कैप्शन में जाफर लिखते हैं कि जब अक्षर, इशांत और सिराज अगली बार फंक्शन में वॉशिंगटन सुंदर के पिता से मिलेंगे। जाफर ने यहां वॉशिंगटन की जमकर तारीफ करते हुए लिखा कि 96 रनों की नाबाद पारी भी किसी शतक से कम नहीं है, काफी अच्छा खेले वॉशिंगटन। उनके इस मीम पर वॉशिंगटन ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा कि आपका बहुत धन्यवाद भैया, डैड इन तीनों को बिरयानी और हलवे के साथ ट्रीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में उद्योग को स्थापित करने में बिहार सरकार सफल हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।